नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश कुला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दुमका पुलिस अंतर जातीय गिरोह के चार चोरों को गिरफ्तार करने में सफल रही, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 17 मोटरसाइकिल बरामद की। इस बात की जानकारी आज दुमका के नगर थाना में पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने एक प्रेस वार्ता को कर दी। बताते चलेंगे, 18 फरवरी को दुमका के शिव पहाड़ से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोर की पहचान आदित्य शाह उर्फ किशन के रूप में करके उसे शहर के महुआ डंगाल से एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। चोर आदित्य के निशानदेही पर ही उसने उसके मौसी के घर से एक और मोटरसाइकिल और चोरी में प्रयुक्त चाबी बरामद कर ली गई है, जो सीयूडी पश्चिम बंगाल से चोरी की गई थी। आदित्य उर्फ किशन के बयान पर देवघर जिला के पालोजीरी क्षेत्र के इस्ताक अंसारी उर्फ शोएब और मुस्ताक अंसारी एवं एक सहयोगी अविनाश अब्राहम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए चारों अभियुक्तों की निशानदेही पर घरों में छपा कर रखे गए तथा आसपास के आदिवासी ग्रामीणों को अपना मोटरसाइकिल देकर बेचे गए। कुल 17 मोटरसाइकिल बरामद हैं। पकड़े गए चारों अभियुक्त एक अंतर जातीय गिरोह के उनमें से एक मोटरसाइकिल। सर बताया जाए पूरा मामला है क्या? ये 18/2/21 को इसी महीना टाउन थाना के अंतर्गत एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें एक टू व्हीलर मोटरसाइकिल जो है कि चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई थी। और इसी क्रम में जो है एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SDPO नूर और थाना प्रभारी सदर पुद्दार जी और साथ में जितेंद्र PSI है, उनको एक टास्क दिया गया, जिसके बाद इनके द्वारा इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया और साथ साथ CCTV फुटेज जो होता है वो फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसके आधार पर 26/2 को उसे गिरफ्तार की गई। उक्त व्यक्ति के द्वारा निशानदेही पर हमने टीम के द्वारा करीब 17 बाइक्स जो है बरामद की गई है। मोटरसाइकिल जो है कि 17 है, विभिन्न जो है कि मॉडल्स के हैं, हीरो होंडा पल्सर और कई अलग दूसरे राज्य के भी बाइक्स हैं उसमें, और हमारे राज्य के भी अलग जिला के दूसरे दुमका के छोड़ करके अलग जिला के भी बाइक्स हैं। तो उन बाइक को बरामद किया गया और उसके आधार पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जो है जेल न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कहाँ से बरामद हुआ है ये सारे बाइक्स? जो है दुमका के विभिन्न क्षेत्र से बरामद हुए हैं और इसमें जो है कि जो अभियुक्त है वो बाहर दूसरे दुमका से बाहर के जिलों के भी कुछ अभियुक्त हैं, जिसके निशानदेही पे ये बरामद हुई है। सब क्या अंतर्राज्यीय गिरोह है ये? अभी देखा जाए तो ये बंगाल के भी बाइक्स जो चोरी हुए हैं उसके वारदात भी जो है कि यहाँ पर जो है उनके तार यहाँ जो है दुमका से भी जुड़े हैं और बंगाल का जो एक ग्रुप है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी यंग लड़के हैं, करीब मतलब 20-25-26 साल के हैं और इनके द्वारा जो है कि एक मास्टर की के माध्यम से ये बाइक को खोला जाता था और जो अलावा जो पार्किंग में लगा रहता था बाइक, जो कि अनजान जो है कि उसका ओनर रहता था, उसको बाइक खोल करके ले जाते थे और जो रिसीवर होते थे कुछ और उनको जो है कि बेचने का काम वो करते थे। रिसीवर की भी गिरफ्तारी हुई है क्या? कुछ रिसीवर्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन्होंने इन बाइक को जो है कि लिया है इनसे जो चोरों से, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि अलग से कहीं पर खपाने की बात जो है वो काम करते थे। क्या सर ये पूरा गिरोह बस्टेड हो गया या और भी मेंबर पकड़े जाने हैं इसके? नहीं, इसमें है 4 व्यक्ति जो है इसमें पकड़े गए हैं। इसके अलावा जो है कि जब मैंने पहले बताया कि दूसरे राज्य के भी इसमें जो शामिल हैं कुछ लोग और उनको भी चीनी। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।